अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फलक हेक एंड टेक, और इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बैकग्राउंड तब्दील के साथ कलरफुल एक वीडियो है। मैंने इसके अब नॉर्मल वीडियो में दे सकते हैं। इसके लिए आपको आना है सिंपल कैपकट में और अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसको आप थोड़ा कलरफुल और इसकी बैकग्राउंड तब्दील करना चाहते हैं। ये थी पहले सिंपल वीडियो, ठीक है, और ये कुछ खास नहीं थी। इस पर हम एडिटिंग करेंगे। अभी ये फुल साइज़ में नज़र आ रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा ये बेहतर नज़र आ रहा होगा फिर भी, लेकिन ये असल में इस तरह है नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले आना है आपने एडजस्ट पे, और यहाँ पर आपने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी तेज़ कर देनी है 14-15, ठीक है। उसके बाद सेचुरेशन आपने इसकी रख देनी है 20-25 के दरमियान में, ठीक है, या जहाँ आपको सूट करे। और एक्सपोजर इसको आपने रखना है 25 पे, या जहाँ आप रखना चाहते हो। जो शार्पनेस है इसकी वो फुल कर देनी है, और उसके बाद इसके जो ग्राफिक्स हैं सेम इसी तरह ही करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने वाइट लेना है, और उसके बाद ब्लू लेना है, सॉरी ब्लू लेना है, और ब्लू के बाद आपने रेड, और रेड के बाद आपने ग्रीन लेना है, और इसी तरह ही करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ये जैसे ही आप करेंगे तो ये ऊपर से नीचे होंगे, आपने बाएं कोने को ऊपर और दाएं कोने को नीचे लेकर आना है। इसके बाद आपने ये सेट हो गया, इस एडजस्ट पे जाना है, सॉरी इफेक्ट पे जाना है, बेसिक सेलेक्ट करना है, और बेसिक सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने ब्लर चूज करना है। ब्लर चूज करने के बाद आपने इसकी जो रेशियो होती है वो 50 या 40 या 50 के दरमियान में रख के इसको वीडियो को एडजस्ट करके फुल इसके फुल वीडियो के साथ लेंथ के साथ आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर 1080 पे करके 30 FPS पे मैंने इसको सेव किया है। इसको सेव करने के बाद दोबारा आपने वही वीडियो लेनी है जो जिस पर आप कलर बनाना चाहते थे, ठीक है, वही लेना है। और वो लेने के बाद आपने नीचे से ओवरले, आपको नीचे ये दिखाई दे रहा होगा, आपने ओवरले लेना है, और ओवरले लेने के बाद आपने सेम उसी वीडियो को लेकर आना है जिसको अभी हमने अभी अभी एडिट किया था, ठीक है। सो ये लेकर आ गए हैं, आप फर्स्ट वीडियो में देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो जो है वो एडिटेड है, ठीक है। हम इसको लेकर आ गए। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसकी लेंथ और जो साइज़ है उसको स्क्रीन के बिल्कुल बराबर कर देनी है, और लेंथ को जो वीडियो की जितनी भी लेंथ है उसको उसके बराबर कर देनी है, और साइज़ को जो स्क्रीन की साइज़ है उसके बराबर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने स्प्लेस लेना है। स्प्लेस लेने के बाद आपने कलर चूज़ करके इसकी जो रेशियो जहां आपको सूट करती हो वहां आपने रख देना है। मैं सिंपल 15 पे इसको रख लेता हूं, ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने इसको 15 पे रखा और इसको ओके कर दिया। उसके बाद आपने एक वाइट पेपर लेना है, और वाइट पेपर जो आपको स्टॉक में मिलेंगे, ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा स्टॉक वीडियो, ठीक है, इसके में वाइट आपको मिल जाएगा, सिंपली कहीं डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी लेंथ और जो इसकी साइज़ है इसको वीडियो को बराबर करके स्प्लेस पे जाके ओवरले लेना है, और ओवरले को आप अपनी वीडियो के साफ होने के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैं इसको 30 या 25 के दरमियान में रखूँगा। सेम इसी तरह ही आपने करना है, 30 और 25 के दरमियान में आपने इसकी जो रेशो है वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये हो गया वीडियो तैयार, और अब जाते हैं एडजस्ट पे, फिल्टर पे। फिल्टर पे जाने के बाद जो आपको एज जिंगल बेल्स नज़र आ रहे हैं उधर आपने जाना है, और उसको थोड़ा कलरफुल करना है, रेड कलर देना है हमने इसको, इससे खूबसूरत नज़र आता है, और थोड़ी इसकी ग्राफिक्स भी सही होती हैं, ठीक है। इसको भी आप अपने मुताबिक या 20 से 25 के दरमियान में रख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये 22 कर दिया, और इसके बाद जो एडजस्टमेंट में आना है, अपने एडजस्टमेंट पे जो ब्राइटनेस है उसको आप ज़्यादा या थोड़ा कम कर सकते हैं अपने वीडियो के मुताबिक। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1% यानी 1:1 मैंने इसको बढ़ाया है, और जो इसके कॉन्ट्रास्ट्स हैं वो मैंने हल्का बढ़ाया है 5%, और जो सेचुरेशन है वो मैंने कम किया। ये आप देख सकते हैं, सेचुरेशन ये होता है कि बंदे की आप वाइट देखना चाहते हैं या किस हिसाब से, ठीक है, ये मैंने हल्का किया था। और इसके बाद जो एक्सपोजर है वो उसको आप 5% पे रखें, और जो शार्पनेस है उसको अपने फुल कर देना है, या आप जिस तरह रखना चाहते हो उसी तरह रखें, ठीक है।
उसके बाद आपको ये टेम्परेचर नज़र आएगा, उसको 5 से 10% रखें, और उसके साथ ही हाईलाइट आपको नज़र आ रहा होगा उसको भी 5 से 10% के दरमियान में रखें। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है और ये वीडियो हो चुकी है तैयार। सिंपल आपने अब क्या करना है कि वीडियो को 1080 और 30 FPS या 30 FPS से ज़्यादा चाहते हो। अब अगर आपकी वीडियो की लेंथ यानी कि वो ज़्यादा मिनट का है तो आप 30 ही रखें क्योंकि इससे फिर डाउनलोड होने में ईजी होगा। अगर छोटा है तो आप 60 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको कैनवा से मिल जाएगा बनाने का तरीका, और मैं इसको उस पर इंशाल्लाह रात को एक वीडियो दे दूंगा। मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया फ़ोटो में से और उसको ओवरले लेकर आया मैं अपनी वीडियो को, जो मैंने अभी अभी एडिट किया है, कलर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो मैं ये बना के आ गया हूँ और यही बैकग्राउंड मेरे आप अपनी स्क्रीन पर अभी भी देख रहे होंगे, और वही जो है ना मैंने अभी इस पर फिट करके जो वीडियो पे एडजस्ट किया है आप इधर से भी देख सकते हैं। और उसके साथ ही आपको बैकग्राउंड जो रिमूव है वो भी आपने देखी होगी पीछे। ठीक है, ये अब लेकर आए हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है फुल रिमूव हो चुका है, और ये था फर्स्ट वीडियो, और इसके साथ साथ आप दूसरी वीडियो भी देख लेंगे। ये थी दूसरी वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।